स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र बाबू। तो अपने ट्वेल्थ के लिए फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ और आज तो चैप्टर खत्म करना है हमें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का पार्ट खत्म हो चुका है, लास्ट का लेक्चर है भाई, तो बने रहिए हमारे साथ लेक्चर के एंड तक। लेकिन एक खास बात और है कि भाई जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे लेक्चर्स को, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखते रहे, और देखने के लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हियर लॉन्ग सीरीज है, पूरे साल चलने वाली सीरीज है। सिलेबस को फिनिश करने के बाद हम मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपको मिल रही है, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, तो बुरा क्या भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करते रहे, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जरूरी होता है क्योंकि एंड तक हम कुछ क्वेश्चन भी बात करते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर में बात करूं जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि लास्ट लेक्चर हमारा बेस था हमारे इवोल्यूशन के हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पर। हार्डी वीनबर्ग जी ने हमें एक लॉ बताया, एक नियम बताया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, याद होगा, यानी कोई भी एलील हो वो एलील का नंबर कॉन्स्टेंट रहता है, एलील का नंबर कॉन्स्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है, उसे हार्डी वीनबर्ग ने बताया था और मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो आज हम चलेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी थी, स्टार्ट करी ओरिजिन ऑफ लाइफ से कि जब धरती पे कुछ था ही नहीं तो हमने कुछ बनाया, हमने केमिकली कुछ फॉर्म किया। अरे भाई, हम कुछ फॉर्म करने वाले नहीं है, फॉर्म करने वाले तो हमारे ऊपर वाले हैं, लेकिन केमिकली जो बना उससे लाइफ स्टार्ट हुई। सोचिए कितना संघर्ष हुआ एक ना दिखने वाली चीज से, आज हम ह्यूमंस हैं, ना दिखने वाले चीज से। तो भाई वहां तक कि हमने एक लंबी दौड़ लगाई और लंबी दौड़ लगाने के बाद हमने ह्यूमन को बनाया। अब ह्यूमन तो बना, लेकिन ह्यूमन ने भी संघर्ष किया। पहले कहते नहीं हमारे एंसेस्टर मंकी जैसे थे, हाँ मंकी जैसे थे, हम मंकी से बने हुए, थोड़ा सा हजारों साल की हमने यात्रा करी, हमने काफी स्ट्रगल झेले, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेदर्स को झेला, क्लाइमेट को झेला, जब हजारों लाखों साल संघर्ष किया तब हम दो पैरों पर चलने लगे और बन गए हम क्या, इंसान यानी ह्यूमन। आज हम उसी चीज के बारे में जानने जा रहे हैं कि आखिर ह्यूमन जो रिवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से ह्यूमन की पीढ़ियां थी जिन्होंने ये सैक्रिफाइस किया और हमें एक समझदार, एक इंटेलिजेंस, एक स्मार्ट ह्यूमन बनाया। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं इस जर्नी को। बहुत ही बढ़िया बात है भाई, हमारे देखिए अगर आपको दिखाया जा रहा है तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर हम चल रहे हैं तो कैसे थे, कहां से कहां पहुंचे। पहले हम लोग ऐसे थे, ये थे भाई साहब हम लोग, और फिर धीरे धीरे हमने ग्रोथ करी, झुक के चलते थे ये ऐसे, धीरे धीरे हमने ग्रोथ करी और ग्रोथ करके हम सेम ही, हम पहले सेम ही इरेक्ट थे, ये तो भाई साहब बिल्कुल ही इरेक्ट नहीं थे, एकदम ही बंदर थे, बंदर यानी चिंपैंजी, चिंपैंजी जैसे लग रहे, गोरिल्ला जैसे लग रहे, लेकिन धीरे समय बीता, थोड़ा सा सेमी इरेक्ट हुए, थोड़ा और सीधे हुए, देन हमारे पास हंटिंग के वेपन्स आ गए, हथियार आ गए और हम तैयार हो गए शिकार करने के लिए। पहले हम इस कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन हर्बीवोरस कंडीशन थी, ये हम हर्बीवोरस कंडीशन पे थे। हर्बीवोरस कंडीशन के बाद थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते गए, फिर हमने औजार उठा, हमने वेपन उठा लिया, हम कार्निवोरस हो गए, यहां पर हम हुए कार्निवोरस, क्योंकि हमारे पास वेपन था और हम हर्बीवोरस नहीं थे, इसलिए क्योंकि वेपन से सिंबल शो करता है कि या तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने वेपन को डिस्कवर किया या प्रोटेक्शन से छोड़ करके हमने हंटिंग के लिए इसका यूज किया, शिकार करने के लिए। तो जब हमने हंटिंग के लिए यूज किया इसको वेपन को, तो हम हो गए थे भाई उस समय कार्निवोरस। लेकिन धीरे धीरे फिर दिखाया जा रहा है थोड़ा सा एक एनिमेटेड कर दिया गया है, हालांकि आदिमानव कहां कंप्यूटर चलाएगा, लेकिन हमने ये दौड़ पूरी करी और दौड़ पूरी करने के बाद हम आज एक मॉडर्न ह्यूमन बने, एक मॉडर्न ह्यूमन। ये बेटा जो दौड़ थी, एक सिक्वेंशियल जो दौड़ थी, इसी को हमने ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन ऐसे हुआ, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस था, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस था, ये रिवाइज नहीं हो सकता। अब इंसान बंदर नहीं बन सकता, जानवर बन जाता है, इंसान जानवर बन जाता है बट बंदर नहीं बन सकता, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और मैंने इवोल्यूशन के पहले ही स्टेप पे बताया था कि इवोल्यूशन एक
इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए देखिए कौन कौन से हमारी पीढ़ियां थी जिन्होंने मेजर सेक्रीफाइस किया, मेजर लड़ाइयां लड़ी, वो कौन कौन से स्पीसीज है। देखिए सबसे पहले आया ड्रायोपिथेकस, सबसे पहले आया हमारा ड्रायोपिथेकस, सेकंड स्टेप पे आए हमारे रामापिथेकस, थर्ड स्टेप पे ऑस्ट्रालोपिथेकस। पिथेकस तो तीनों में कॉमन मिला, तो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस फंडा भी बनाया जाएगा, देन ऑस्ट्रालोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथलेंसिस एंड होमो सैपियंस हमारे फ्यूचर के सॉरी मॉडर्न ह्यूमंस। देन ऐसे नाम निकलने हैं। यहाँ थ्री पोजीशन की बात करें तो पिथेकस तो हमें कॉमन मिल रहा है, ये पिथेकस हमें कॉमन मिला, पिथेकस कॉमन है। अब इसमें बनाए क्या बनेगा, देखिए डॉक्टर राम और हम, हमारे फ्रेंड थे डॉक्टर राम और हम, डॉक्टर राम और हम, डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए शाम। डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए सांप, स्नेक, एक सपना देखा गया कि भाई डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए सांप। देखिएगा समझिएगा फंडे को, डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए सांप, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रालोपिथेकस, हमसे क्या था होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथलेंसिस, होमो सैपियंस। अब इस फंडे को मैं लिख के दिखाता हूं बोर्ड पर, चलिए आप भी प्रैक्टिस करिए साथ में मेरे। आ जा भाई कहां चले गए, आप भी आ जाइए मेरे साथ में। एक पेज दे देते हैं हम लोग, पेज चक्कर चेंज कर लिया है थोड़ा सा, कलर मजेदार नहीं लग रहा, बढ़िया से कलर ले लिया जाए पेज जिससे अच्छा दिखे, और उस पर हम लिखेंगे अपने फंडे को। तो भाई आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ये देखिए अंडे का फंडा हम लोग लिखते हैं क्या, हम करेंगे होमो यानी ह्यूमन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन के फंडे को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन मैंने फंडा क्या बोला था पहले, डॉक्टर राम और हम, डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए सांप। चलिए अब फंडे पे आगे हम लिखते हैं अपने नामों को रिजल्ट। देखिए ऐसे फंडे बनाए जाते हैं और ऐसे फंडे पे लर्न करने होते हैं। डॉक्टर सुधा ड्रायो पिथेकस, ड्रायो पिथेकस, दूसरे से रामा पिथेकस, इसे ऑस्ट्रेलो पिथेकस, ड्रायो पिथेकस रामा पिथेकस और ऑस्ट्रेलो पिथेकस, लिखने से करिएगा आराम से।
Pithecus, Lama Pithecus, Australopithecus. Homo sapiens, Homo यहाँ है, हमको एचओ कर दो, ये होंगे Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis. ठीक है, फंडा काम कर गया हमारा. कैसे फंडा, फिर से मैं इसको लिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से. पहला आपने क्या लिया है, ड्रायो Dryopithecus, second Ramapithecus, third पे जाएगा Australopithecus, fourth पे जाएगा Homo habilis, हंसते हंसते था, हंसते हंसते हुए सांप, यहाँ पर ये गया हंसते के इधर, इधर सांप गया. तो आप इस फंडे को यूज करके आसानी से ह्यूमन इवोल्यूशन के जो इनके एंसेस्टर थे उनकी जानकारी हो जाती है, जो एंसेस्टर थे, जैसे पहले ट्रायोपिथेकस थे, फिर रामापिथेकस आए, यानी इवोल्यूशन हुआ. सबसे पहले हमारे ट्रायोपिथेकस आए, जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले ट्रायोपिथेकस आया, देन रामापिथेकस आया, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, देन होमो हैबिलिस आया, देन होमो इरेक्टस आया, देन होमो नियंडरथलेंसिस आया, देन हमारा होमो सैपियंस आया. तो इतनी जनरेशन को पार करके आज हम मॉडर्न ह्यूमंस बने हैं, यानी होमो सैपियंस है. तो ये आपको फंडा अच्छे से समझ में आया होगा, और इस फंडे से आप सीरीज नहीं भूलेंगे. फंडा क्या था, डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते, डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए सांप. तो इस फंडे से आपको सीरीज लगना है, ठीक है. और इतने डिफिकल्ट नाम भी आपको लर्न हो गए कि हाँ भाई ह्यूमन के कौन कौन से हमारे एंसेस्टर्स थे. तो हमने उसी का फंडा बताया, और फंडा बताने के बाद अब चलते हैं आगे, इनके बारे में जानकारी बटोरते हैं कि आखिर ड्रायोपिथेकस क्या है. चलो चलिए आज आते हैं ड्रायोपिथेकस के बारे में. तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैं पिक्चर रख देता हूँ कि आपके दिमाग में इमेज बनी रहे कि आखिर कैसे दिखते होंगे ड्रायोपिथेकस. तो ये देखिए ड्रायोपिथेकस, इनके बगल में रामापिथेकस, चेहरे में थोड़ा बहुत सा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन सोचिए ऐसे जैसे चीजों से हम लोग बने हुए हैं बहुत बड़ी बात होती है. ड्रायोपिथेकस को देख लीजिए, जबकि ड्रायोपिथेकस फुल्ली तरीके से ये इरेक्टाइल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रामापिथेकस ने चीज कोशिश करी उठने की कि हाँ हम उठें, हम चलें. तो एक अच्छा खासा इवोल्यूशन इन्होंने दिखाया. काफी देख के अजीब सा लगता है कि ऐसी चीजों से हम मिलके बने हैं, ऐसी चीजों से इवोल्यूशन. हम भी कभी ये थे, हम भी कभी ये थे. देखिए क्या है, 15 ये मायोसिन एरा है, ये हेयरी थे बॉडी, पूरी हेयर पाया जा रहा था. वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजी, ये जो चिंपैंजी और गोरिल्लास ऐसे चलते थे. ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक थे, याद रखिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में चीजों पे कि नेम द ह्यूमन एंसेस्टर, नेम द ह्यूमन एंसेस्टर स्टॉक्स जो ज्यादा ऐप जैसा दिख रहा था, ज्यादा ऐप जैसा. तो मोर ऐप लाइक है ड्रायोपिथेकस, और मोर ऐप लाइक होगा भी यार. ऐप यानी सबसे पहला जो आया हमारा ड्रायोपिथेकस तो था, तो बंदर जैसा तो हो वही होगा, तो मोर ऐप लाइक था. जबकि रामापिथेकस जो था हमारा, ये मोर मैन लाइक था, यानी काफी मिलता जुलता आदमी सब. क्योंकि सीधा खड़ा होने लगा था, चेहरा भी देखिए आप, जो चिन थोड़ा सर्कुलर स्फेरिकल शेप में आ गया, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा था. तो यहाँ पर हमें दो चीजें, पर क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ सकता है कि मोर ऐप लाइक ह्यूमन स्टॉक का नाम होता है, तो मोर ऐप लाइक ह्यूमन जो स्टॉक था वो ड्रायोपिथेकस था. उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मोर ऐप लाइक जो हमारा एंसेस्टर था, वो मोर ऐप लाइक एंसेस्टर हमारा क्या था, ड्रायोपिथेकस.
आगे चलते हैं। अब हमारे नए होमिनिड्स, इसको बोलते हैं होमिनिड्स, जो हमारे हैं इनको बोलेंगे होमिनिड्स। अब देखिए आ जाइए होमिनिड्स के आगे चलते हैं। तो होमिनिड्स में अगर आगे चलेंगे तो कई सारे कापुंडा कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, खतरनाक कंकाल है। क्या कह रहे हैं, 3 से 4 मायोसीन इलाके थे। देयर वर मैन लाइक प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न अफ्रीका में प्राइमेट्स थे, उनकी खोपड़ियां मिली हुई, यहां पर मैन लाइक थे हमारे। दे हैड हाइट अप टू 4 feet एंड वॉक अपराइट। दे हैड हाइट अप टू 4 feet यानी 4 feet के थे, लगभग 4 feet के थे ये हमारे ऑर्गेनिजम्स। 4 feet के मतलब बौने थे थोड़ा सा 4 feet, है ना। तो ये 4 feet के ऑर्गेनिजम्स थे जो क्या कर रहे थे, अपराइट होकर चलते थे। दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स। ये भरोसा है, ये बिलीफ है, बेस्ड ऑन फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। तंजानिया और इथियोपिया में इनके जो फॉसिल्स मिले, देखा गया कि मैन लाइक फॉसिल्स थे। देखिए ये फॉसिल्स दिखते कैसे, आप तो देख रहे हैं एक तरीके से फॉसिल्स ही है। छोटे छोटे देखिए बोन मिल रहे, छोटे छोटे देखिए, ये देखिए इधर छोटे छोटे स्कल मिल रहे हैं। हो सकता है कि उनके परिवार के छोटे मोटे बच्चे हों जो दबे मरे और दबे ऐसी जगह पे कि जहां पे इनकी प्रिजर्व हो गई बॉडी। इनको माइक्रोब सड़ा नहीं पाए, माइक्रोब्स इनको डिके नहीं कर पाए, ऐसी जगह से डिके नहीं कर पाए, तो भाई ये बच गया। और जब कभी किसी जगह पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, या कोई रेलवे लाइन ट्रैक डलनी है, उसका सर्वे स्टार्ट हुआ, तो उस जगह पे क्या होती है, खुदाई होती है। और जब खुदाई होती है तो सर्वे में स्केलेटन मिल गए, तो फिर उस एरिया को पूरे बैन कर दिया जाता है दूसरों के लिए, क्योंकि उससे प्रूव होता है कि आसपास के एरिया में भी चीजें मिली हुई। तो ये हजारों साल पुरानी दबी हुई क्या होती है, एक तरीके से डेड बॉडी है, लेकिन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी का जो स्केलेटन है वो रिमेन है, और रिमेन रहने के कारण वो हमारे स्टडी में आता है। और जब हम स्टडी करते हैं तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कितनी एज पुरानी है इनकी, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई आज से इतने साल पहले ह्यूमंस ऐसे थे। क्लियर, तो ये उन्हीं की फॉसिल्स हैं। आगे आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप जैसे पीछे कर देखेंगे तो आप एक अलग से दुनिया में चले जाएंगे, आपको लगेगा यार क्या दुनिया रही होगी उस समय। आप देखिए जैसे लग रहा है कि ऐसे हम लोग कंडीशन से गुजरे हैं, एक मदर मंकी है और साथ में उसका क्या है, बेबी मंकी है, गोद में है उसके बेबी मंकी, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से काफी नेचुरल स्ट्रक्चर, और ऐसे दौर से हम सभी गुजरे भी हैं, इस स्टेज से हम सभी गुजरे हुए हैं। और भाई साहब को देख लीजिए, बुड्ढे बुड्ढे लग रहे हैं, काफी धीरे धीरे करीब आ रहे थे ह्यूमन के कैरेक्टर पे। तो कह रहे हैं ये 2 मायोसीन ईरा के थे, लिव्ड। देखिए इस ईरा से इनके कोई मतलब नहीं है, ईरा हमारी कैसी, कोई मतलब नहीं इस ईरा से, आपको केवल कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल गया था क्या, कि मोर एप लाइक, तो आपसे पूछेगा कौन सा होमिनिड है जो मोर एप लाइक है। तो मोर एप लाइक जो होमिनिड था वो होमिनिड था हमारा क्या, हमारा ड्रायोपिथेकस। अब मोर मैन लाइक डॉक्टर राम एंड रामापिथेकस, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कह रहे हैं, कह रहे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, कि ईस्ट अफ्रीका की ग्रासलैंड पे पाए जाते थे। हंटेड विद स्टोन वेपन्स, हंटेड विद स्टोन वेपन्स, स्टोन वेपन्स से शिकार किया करते, पत्थरों के बने हुए औजार, एट फूड्स, और क्या खाते थे, फल खाते। इनको लग गया था खून इनकी दांतों में, तो जब शिकारी हो गए तो इन्होंने हथियार उठा लिए, हिंसक हो गए, और जब हथियार उठा लिए तो जानते ही है महामारी हो जाती है। तो जो हंटिंग किया करते थे वो खाते थे उनको, लेकिन फल फल इनका बहुत फेवरेट था, फल जरूर खाते थे। अब आ जाइए होमो हैबिलिस के पास। होमो हैबिलिस में खास बात देखते हैं जरा। होमो हैबिलिस जैसे यहाँ बैठा हुआ है, पत्थर लेकर के जलाने की कोशिश कर रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, इतना शांत माहौल था उस समय का, अगर आप देखें तो कोई संघर्ष नहीं है, संघर्ष केवल
नेचर से होता था, बाकी किसी संघर्ष नहीं। बैठे हुए हैं, हाँ जलाने पोस्ट करा, देखें इस पिक से क्या हमें सिंबल मिलता है। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, तो आपसे पूछता अगर फर्स्ट ह्यूमन लाइक है भाई कोई, तो हमारे थे भाई साहब होमो हैबिलिस, हमारे थे होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमो हैबिलिस। अब वहां मोर ह्यूमन लाइक था, यहां पर फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड क्या? तो फर्स्ट जो ह्यूमन लाइक होमिनिड है वो हमारा हो गया होमो हैबिलिस। ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी का था। Did not eat meat. ये भैया साधारण पर्सन थे, हर्बीवोरस टाइप के लोग थे, ये मीट नहीं खाते थे, यानी देखा जाए तो ये उस तरीके से शिकारी नेचर के नहीं थे, शांति प्रिय थे और हर्बीवोरस फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे ये लोग। तो ये हमारे होमो हैबिलिस का कैरेक्टरिस्टिक था। तो यहाँ पर एक पॉइंट एग्जाम के लिए आपको क्या मिलेगा बोर्ड के लिए, कि आपसे पूछ सकता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड कौन था? तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक जो होमोनिड था वो था हमारा क्या, हमारा होमो हैबिलिस। चलिए आगे चलते हैं, होमो हैबिलिस के बाद अब आ जाएंगे होमो इरेक्टस। अभी मुझे बताओ उनके नाम से ही काफी काम इनका निकल के आ जाता है बेटा, उधर क्या होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस जी बायोलॉजी में इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, क्या सीधा। तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी तो 900 सीसी थी, ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, यानी पहले वाले भाई साहब कौन थे हमारे, होमो हैबिलिस, होमो की देख कितनी थी 650 से 800 सीसी, अब देख कितनी हो गई, अब आ गई 900 सीसी, यानी ब्रेन कैपेसिटी इनकी अच्छी थी। तो ना करके ब्रेन कैपेसिटी से मुझे समझ में आती है कि ब्रेन कैपेसिटी के कारण इनका दिमाग ज्यादा इंटेलिजेंस था, भले ही इंटेलिजेंट वाला काम करे ना करे, लेकिन हाँ ब्रेन से इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट इनका फंक्शन था। अच्छा अब जैसे मैंने बोला कि एट मीट, यहाँ से नॉनवेज ये लोग खाते थे, ये लोग मीट को पका भुना अगर खाते थे आराम से, बहुत बड़े स्वादी थे लोग। तो ये मीट को खाते थे और आप देख रहे हैं कि हरकतों को वेपन बनाए जा रहे हैं, वेपन को मारने की तैयारी। और इरेक्टस का जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक मैं टर्म दे दूंगा, ये थोड़ा सीधे खड़े हो चलने लगे थे, ये जो थे होमोनिड, ये होमोनिड स्ट्रेट हो चुके थे, इसीलिए बन गया होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस हाथों का बड़ा यूज कर रहा था, उसने उस समय पे हथियार बनाना चालू कर दिए थे, और होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होने लगा था और मीट भी खाते थे। देख लीजिए नजारा, तैयारी चल रही है मारने की, आगे चलते हैं। अब देखिए चलेंगे हम लोग होमो नियंडरथलेंसिस के पास, तो होमो नियंडरथलेंसिस के पास आ गए, काफी खतरनाक लुक दे रहा है ये होमो नियंडरथलेंसिस। अब ये 1,40,000 साल पहले, 1,40,000 साल पहले, यानी यार बहुत पुराना खेल हो गया, बहुत पुराना हो गया, 1,000 से 40,000 साल पहले लोग थे ये, और ब्रेन कैपेसिटी इनकी 1400 सीसी हो गई, लगभग लगभग आज के मॉडर्न ह्यूमन के बराबर आते थे, लगभग लगभग आज के मॉडर्न ह्यूमन के बराबर आ गए थे हमारे कौन, होमो नियंडरथलेंसिस। एक्चुअली क्या था, ये नियंडरथल एक प्लेस है, वहां पे ये मिले थे, इनका जो बॉडी थी, इनके जो प्रिजर्वेटिव जो स्केलेटन था, वहां से इनका नाम नियंडरथलेंसिस दिया गया, बाकी नियंडरथल कोई स्पीसीज नहीं। 1,40,000 साल पहले थे भाई साहब, ब्रेन कैपेसिटी की 1400 सीसी हो चुकी थी, ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, वाह अच्छी खासी ब्रेन कैपेसिटी थी। और हमें पता है ऐसी ब्रेन कैपेसिटी है तो इनका सोच विचार का तरीका अच्छा होगा, और आप देख रहे हैं इनकी बॉडी पे कपड़े आ चुके थे, कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया था, इन भाई साहब को देखो तो अजीब ही लग रहा है एकदम, किसी एनिमेटेड मूवी का हीरो लग रहा है ये साइड वाले। तो 1400 सीसी ब्रेन हो गया, इंटेलिजेंट हो गए, कपड़े पहनने की तमीज आ गई कि हम अब कपड़े पहनेंगे,
lived in East and Central Asia. ये Central Asia या फिर East Asia में रहते थे ये लोग, क्योंकि इनकी dead bodies वहीं मिली. Used hides to protect their body. Hides क्या होता है बेटा? Hide देखिए, hide का मतलब छुपाना मत समझना. इस hide का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ आपको. हाइट का मतलब होता है बेटा जब जानवरों की खाल होती है, उनको हम शिकार करते थे. शिकार करने के बाद जब उनकी खाल यानी उनकी स्किन को साफ करके ये पहनते थे तो उसको हाइट कहते थे. मारा, खाया और इसकी स्किन को लेकर के इन्होंने अपना कपड़े बना डाले. पाइनियर स्टाइल है, घूम रहे हैं. तो उनकी हाइट्स को यूज करके ये अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करते थे. बरीड देयर डेड. इनको इतनी अकल आ गई. क्या अकल आ गई इनको? ये अकल आ गई कि यार जो लोग मर जाते हैं उनको जलाया जाए. यानी काफी एडवांस हो चुके थे ये लोग. ह्यूमन नियंडरथेलेंसिस काफी एडवांस हो चुका था, समझ चुका था कि अब चीजें सामाजिक हो रही हैं और धीरे धीरे इंसान अपने एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहा था, अपनी तरक्की में आगे बढ़ रहा था और पहुंच रहा था धीरे धीरे कहां पर? एक नए दिशा की तरफ, एक ह्यूमन जो मॉडर्न है ह्यूमन उसकी. आगे चलते हैं, उसके पहले क्विक रिव्यू दे दूं जिससे आपको दिमाग से ना उतरे चीजें. जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले फंडे पे स्टार्ट किया कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो इस फंडे पे जाएगा. कौन कौन से देखिए, पहला फंडा साथ बार बार, तो आपको चीजें लर्न होंगी. और ये छोटी मोटी चीज नहीं लर्न हो जाना कि आपको होमिनिड्स लर्न हो जाए. तो अब आप दूसरे स्टूडेंट से अलग हो जाते हैं क्योंकि आपको होमिनिड्स पता है. लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में अगर ब्रेन की चीज सीखिए, आप कहेंगे सुनिए भाई मैं बता दूं आपको कितने होमिनिड्स थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप तुरंत फंडे को याद रखा. हाँ डॉक्टर राम और हम हंसते हंसते हुए साहब. तो यहाँ पर डॉक्टर के लिए क्या ड्रायोपिथेकस, राम के लिए रामापिथेकस और के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस. मुझे कितने बार बोलना पड़ता है, टंग को मैं कितनी बार बोलूं, मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है जो दूसरों के लिए डिफिकल्ट होती है पर आपके लिए आसान हो जाएगी. तो डॉक्टर राम और हम, डॉक्टर राम और हम, हमसे होमो क्या है देखिए, होमो हिबिलिस हस्ते हस्ते फिर से हस्ते हस्ते हुए सांप. तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथेलेंसिस और होमो सैपियंस. ऐसे अगर लेके चलेंगे तो आसानी से आपको ये नाम बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगे. 5-5 टाइम ये लर्न ऐड करने की प्रैक्टिस कर लीजिए बस. देखिए ये फंडे को जाना हमने, फंडे को जाने के बाद हम सीधे पहुंचे अपने ड्रायोपिथेकस के पास. तो ड्रायोपिथेकस के पास मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, मोर एप लाइक होमोनिड. तो मोर एप लाइक होमोनिड आपने क्या बोला? ड्रायोपिथेकस नाम दिया. चलिए आगे चलते हैं. आगे पहुंचे हम, पहुंचे हमारे कुछ, हमने बताया स्कर्टन भी इनके अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में लोग रहते थे. 4-4 फीट के लोग की हाइट थी स्टार्टिंग टाइम तंजानिया और इथोपिया में. तो ये पेज उतना इंपॉर्टेंट लिखता था, इंपॉर्टेंट आगे मिलेगा आपको. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटेड करते थे, स्टोन वेपन से फल खाते थे, फल से खा गुजारा करते थे. इसके बाद हम पहुंचे होमो हैबिलिस के पास. होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग था.
आदमी जैसा दिख रहा है आपको ह्यूमंस। इसकी ब्रेन कैपेसिटी सारे सेंसर से 800 थी, यानी 650 से 800 सीसी थी इनकी, बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन शुरुआत हुई सीसी की। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आना चालू हुआ, ये भी नॉनवेज नहीं खा रहे थे, मीट नहीं खा रहे थे, लेकिन जब होमो इरेक्टस के पास आ गए तो होमो जो इरेक्टस है सीधा खड़ा होकर चलने लगा था, और होमो इरेक्टस काफी तेज दिमाग हो गया था, उसने हंटिंग किया, खाने को पका के खाने लगा, 8 बिरयानी मीट खाने लगे, 900 सीसी ब्रेन का इंटेलिजेंस बढ़ा, अपने मन से वेपन्स बनाना चालू, अपने मन से वेपन्स बनाया और उसको खाने लगे, थोड़ा सा ब्रेन की सीसी बढ़ने से इनकी इंटेलिजेंस बढ़ी। आगे पहुंचे तो हम पहुंचे भैया होमो नियंडरथल मैन के पास। जब नियंडरथल मैन के पास पहुंचे तो क्या हुआ, ब्रेन कैपेसिटी उनकी 1400 सीसी थी, ब्रेन कैपेसिटी काफी समझदार हो गए थे और हाइट्स का यूज करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, हाइट्स का यूज कर रहे थे ढक रहे बॉडी को। आगे ये क्या हुआ, इन्होंने बरीड दिया डेड, एक परंपरा बनाई लाशों को जलाने की, जो भी इनके उसमें खत्म हो जाते थे उनको जलाने की एक प्रथा चली, और वो हो गया हमारा क्या से तो उस समय बहुत बर्फीली जगह थी, जहां पर अभी रिसेंटली कहीं से आइस एज के इरा से ही एक आपका मैमूथ नाम का एलिफेंट निकाला गया, जो काफी खतर बड़ा था एलिफेंट था, तो वहां की ठंड थी, सारी चीजें वहां पर क्या थी, प्रिजर्व थी, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स, 18,000 साल पहले उन्होंने पेंटिंग का डेवलपमेंट चालू किया, कि केव के अंदर जहां रह रहे हैं वहां डिजाइन बनाना चालू किया। तो सोचने वाली बात है, आज ये चीजें कितनी आम हो चुकी हैं, और तब इन लोगों ने नई सोच डाली होगी कि हाँ केव के अंदर डिजाइन बनाए, कुछ आर्ट तैयार करें, हाँ, लेकिन आज ये चीजें क्या हो गई है, नॉर्मल हो चुकी है। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स 10,000 साल पहले, आज अगर खेती किसानी की चालू की बात हो, 10,000 साल पहले हुआ हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो अगर कभी आता है केव में पेंटिंग वेंटिंग स्टार्ट हुई, तो मॉडर्न मैन ने करी है और एग्रीकल्चर चालू हुआ, जानवरों को पालना हुआ, तो वो हमारा हुआ 10,000 साल पहले कुछ नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से मॉडर्न जो हमारा मैन था उसका नाम दिया गया होमो सेपियंस, क्लियर। एक तरीके से ह्यूमन का जो इवोल्यूशन था उस आकर के होमो सेपियंस को रुक गया, इंसान तेजी से ग्रोथ करी, कहा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो लाइफ ही नहीं ओरिजिन हुई थी, केमिकल्स आए जिन्होंने लाइफ को बनाया, और उसके बाद आज एक मॉडर्न ह्यूमन तैयार है। इसके बीच हजारों साल का हमारा क्या रहा, एक ड्यूरेशन रहा, हजारों लाखों साल का ड्यूरेशन रहा, जिसमें संघर्ष के बाद एक मॉडर्न ह्यूमन है। जो लेक्चर हमारा बेस था वो बेस था हमारा किस पे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, की धरती पे लाइफ कैसे आई, फिर लाइफ कैसे ट्रांसफर हुई, कैसे केमिकल कंपोनेंट ने रिएक्शन किया, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे है। तो ओरिजिन ऑफ के बाद हमने फिर देखा कि थ्योरीज क्या थी, हमने क्या पढ़ा, थ्योरीज क्या थी, फिर हमने कुछ एविडेंस दिए कि अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही एंसिस्टर से बना हुआ है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही एंसिस्टर से बने हुए हैं, तो हमें और उनमें सिमिलरिटीज होनी चाहिए। इस सिमिलरिटीज को देने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट आए, उनमें से बहुत साइंटिस्टों ने प्रयास किया, डार्विन जैसे साइंटिस्ट आए, लैमार्क जैसे साइंटिस्ट आए, इन्होंने काफी मेहनत करके सिमिलरिटीज को बताया। और शायद आपको याद होगा जब हम सिमिलरिटीज की बात कर रहे थे, तो उस सिमिलरिटीज में हमने एविडेंस दी, क्या एविडेंस दिए, एविडेंस दिए एम्ब्रियोलॉजी से, एविडेंस दिए एनाटॉमी से, एविडेंस दिए हमने एम्ब्रियोलॉजी से, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से, इन सब चीजों से हमने सेकंड थर्ड लेक्चर में प्रूव किया कि हाँ हमारे एंसेस्टर सेम ही थे। फोर्थ पे हम जाने कि आखिर लोगों ने इवोल्यूशन किया क्यों, ऐसा क्या था उस समय का माहौल जिस कारण इवोल्यूशन हुआ, और वो जो इवोल्यूशन हुआ वो डार्विन ने सबसे पहले बताया हमको, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बिहाव पे क्या हुआ, हमने डिफाइन किया, और उसके बाद जब नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो हम पहुंचे
ह्यूमन के इवोल्यूशन पे, क्यों? क्योंकि अब इंसान बन गया था, लेकिन इंसान अभी बंदर ही था, अभी वो चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे चल ही रहा था, उसे चलना नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने, जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको कि सबसे पहला जो होमो इरेक्टस था ड्रायोपिथेकस था, दूसरा रामापिथेकस था, तीसरा क्या था हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो नियंडरथलेंसिस और होमो सेपियन। इस तरीके से हमारा सफर पूरा हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन का और सफर पूरा हुआ आज के लेक्चर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी के साथ, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ लगातार बना रहूंगा ऐसे लेक्चर्स पे। तो आज चैप्टर इवोल्यूशन खत्म हुआ, काफी थ्योरेटिकल चैप्टर था, डायग्रामेटिक और टेक्निकल नहीं था चैप्टर में। बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके तो जरूर रखें। चलिए मुलाकात करेंगे नए चैप्टर पे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।